Clash of Clans. Play now. हेलो क्लैशर्स, कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग बहुत ही शानदार होंगे यार। तो क्लैश ऑफ क्लैन में एक न्यू इवेंट है, मतलब हिडन इवेंट होता है, जो कि आप लोग का होता है विलेज ऑटो अपग्रेड का। यस, आप लोग सभी लोग वाकिफ होंगे इस इवेंट से। तो क्लैशर्स, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस और हिडन सीक्रेट्स हैं छुपे हुए, तो मैं सारी हिडन सीक्रेट्स को अभी आज की वीडियो में आप लोग को रिवील करूंगा। एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, तो आप लोग सभी लोग देखना, आप लोग सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा और सभी लोगों का कुछ ना कुछ डाउट डेफिनेटली क्लियर होने वाला है आज के इस वीडियो में। ये सारी इन्फॉर्मेशन में जो क्लैश ऑफ क्लैन के कम्युनिटी मैनेजर डैरियन चर्च है उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया, वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था एक्सपीरियंस यहां पे इंक्रीज होता है कि नहीं, टाउन हॉल ऑटोमेटिक अपग्रेड होता है कि नहीं, कौन कौन से बिल्डिंग हीरोज अपग्रेड होते हैं कि नहीं, सारी चीजों के आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करें उसके पहले क्लैशर्स, आप लोग चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्लैशर्स, यहां पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि कोई भी टाउन हॉल आप लोगों का अपग्रेड नहीं होगा ऑटो अपग्रेड पे। यानी अगर आप टाउन हॉल 9 हो तो एट द एंड आप लोग टाउन हॉल 9 ही होगे, 100% मैक्स हो जाओगे, लेकिन टाउन हॉल 9 ही होगे, 10 में नहीं जाओगे। ओके, एंड दूसरा पॉइंट ये आता है गाइस कि 90 डेज इनएक्टिव रहेगा आपका विलेज तो ही ये इवेंट आपके विलेज में एक्टिवेट होगा। और गाइस ध्यान रहे, ये इवेंट एक साल में ओनली एक बार आएगा, यानी इसका मतलब एक साल के अंदर आप लोग बस ये फीचर्स को एक बार ही यूज कर सकते हो। बीच में एक बार भी खोल दिए इस फीचर्स को हो जाने के बाद, तो फिर दोबारा ये फीचर्स एक्टिवेट नहीं होगा एक साल के अंदर, फिर दूसरे साल होगा आपका ये फीचर्स एक्टिवेट। ओके, एक टाउन हॉल में आप दो बार कर सकते हो, एक बार भी खुल गया ने क्लैश ऑफ क्लैन, ये आपका फीचर्स चला गया, फिर से 90 डेज का रिसेट टाइम लग जाएगा। ओके, भले आप अटैक करो या ना करो, विलेज खुल गया, बस खत्म कहानी। थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं क्लैशर्स, यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग्स आप लोग का यहाँ पे खरीद करके क्लैश ऑफ क्लैन नहीं लगाएगा आपके विलेज में ऑटो अपग्रेड में। यानी इसका मतलब जितने भी विलेज में आप लोग के बिल्डिंग्स ऑलरेडी प्लेस्ड है ना, ये सारे बिल्डिंग्स ही ऑटोमेटिक अपग्रेड होंगे, कोई न्यू बिल्डिंग शॉप से परचेज नहीं होगा उस टाउन हॉल के रिस्पेक्ट में। तो गाइज बी श्योर कि अगर आपको अगर ये फीचर्स का फायदा उठाना है तो सारे बिल्डिंग्स को एट अ लास्ट टाइम पूरे के पूरे बिल्डिंग्स आप लोग प्लेस करके ही जाना। ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट्स की बात करते हैं, क्या हम लोग एक्सपीरियंस मिलता है ऑटो अपग्रेड में? यस क्लैशर्स, ये विलेज का होता है एक्सपीरियंस। तो गाइज आपके विलेज में कुछ चेंजेस होता है तो आपको एक्सपीरियंस डेफिनेटली मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग को एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा जैसे ही ऑटो अपग्रेड आपके विलेज पे आएगा। कुछ चीज़ें चेंजेस होंगी, कुछ चीज़ें अपग्रेड होंगी, तो उसका आप लोग एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपग्रेड होती हैं ऑटो अपग्रेड में। आपके जितने भी ट्रैप्स हैं, जितने भी हीरोज हैं और साथ में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग का यहाँ पे ऑटो अपग्रेड में अपग्रेड हो सकता है गाइज। ओके, तो यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है, लैबोरेट्री में भी जितने ट्रोप्स एंड स्पेल एंड सीज मिशन है ना, ये सब भी हो सकते हैं। भले आप लोग लैबोरेट्री को सबसे पहले करना, ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिक में रखो, वरना नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। सो आई होप सो आप लोगों का ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी यहाँ पे डाउट्स आपको रह जाते हैं या फिर कोई भी पॉइंट छूट जाते हैं मेरे से, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो यार। ऑफ कोर्स मैं ह्यूमन बीइंग हूँ यार, मशीन तो हूँ नहीं कि एकदम 100% एक एक पॉइंट्स भी मैं रट के रखूँ कि ये चीज़ होगा, मुझे क्या पता आपके मन में कौन सा डाउट है। तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर आपके मन में कोई भी डाउट इस चीज़ से रिलेटेड आता है तो। ओके, मैं डेफिनेटली आप लोग के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा अगर वैलिड क्वेश्चन रहेगा तो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर। काफ़ी सारे क्लैशर्स पूछे थे कि गाइस कि कौन कौन सा टाउन हॉल में ये अनलॉक होता है, तो गाइस मैं बता दो, ये अनलॉक नहीं होता, ये इवेंट है क्लैश ऑफ क्लैन का। इवन आप कोई भी टाउन हॉल में हो, 90 डेज नहीं खेलोगे तो ये इवेंट ऑटोमेटिक आपके विलेज में लग जाएगा। ओके, एंड इसके बाद एक प्रो टिप्स, काफ़ी सारे क्लैशर्स ये भी पूछ रहे थे कि हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो अपने विलेज को क्या जल्दी मैक्स आउट कर पाएंगे बिना खेले हुए। यानी चार पांच आप लोग कोई विलेज रस बना करके टाउन हॉल 13 पहुंचा दो और जल्दी जल्दी मैक्स कर लो। तो गाइस मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप इस प्रोसेस के साथ अपने विलेज को मैक्स आउट करोगे ना, तो आपको 5 से 6 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा अपने बेसिस को मैक्स करने में। जहाँ पे एक साल में आप विलेज को मैक्स करोगे, वहाँ पे आप लोगों को 6 से 7 साल भी लग सकता है विलेज को मैक्स करने में, क्योंकि आपके जितने कलेक्टर्स रिसोर्स आएंगे उसी हिसाब से वो अपग्रेड करेगा विदाउट मैजिकल आइटम। बहुत चीज़ होता है यार, तो इसके आप बिल्कुल ही भरोसे मत रहना, ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन क्रिएट करेगा आप लोग के लिए। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप खेलते हो तो खेल के विलेज पर रेड करके ही आप लोग अपने विलेज को अपग्रेड करो, जल्दी अपग्रेड होगा क्लैशर्स। ओके,
एंड नहीं खेलते हो तब तो इट्स ओके। ये फीचर्स बस इसलिए लाया गया था क्योंकि गाइस जो क्लैश ऑफ क्लैन में वापस आना चाहते हैं ना प्लेयर्स, उनको थोड़ा बैकअप मिल जाए, कुछ अच्छे ट्रूप्स मिल जाए, जो न्यू ट्रूप्स आते हैं ना क्लैश ऑफ क्लैन में वो सब मिल जाए थोड़े हाईली अपग्रेडेड, तो वो अपना स्टैंड अप बना सके गेम में। ओके सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स आता है गाइस कि अगर हम लोग अनएक्टिव रहते हैं तो क्या हमारे विलेज पे कोई अटैक करेगा इस इवेंट के दौरान? यस ऑफ कोर्स करेगा, क्यों नहीं करेगा यार, रिसोर्स तो सब लूटना चाहता है अनएक्टिव विलेज से। तो ऑफ कोर्स जैसे ही आप लोग अनएक्टिव होंगे उसके बाद से कई सारे अटैक्स होंगे, आपके रिसोर्स लूटे जाएंगे, और जैसे ही रिसोर्स लूट के जाएगा ना तो गाइस आपका और टाइम लग जाएगा रिसोर्स को जनरेट करके, उस रिसोर्स को कंज्यूम करके आपके बेसिस को अपग्रेड करने में। तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हो कितना टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, बट एक तरह से अच्छा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये प्रोवाइड कर रही है क्लैश ऑफ क्लैन आप लोगों को। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को यही चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर ये चीज़ से आप लोगों को बचना है तो आप लोग 90 दिन के अंदर, एक मिनट भी ज़्यादा नहीं, एक सेकेंड भी ज़्यादा नहीं यार, 90 दिन के अंदर एक बार विलेज को लॉग इन कर लो। ये फीचर्स फिर आपके विलेज में एक्टिवेट नहीं होगा, जैसे ही आप लोग क्लैश ऑफ क्लैन खोल दिए फिर से टाइम रीसेट हो जाता है 90 डेज का। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दिया हूँ, कुछ लोग कह रहे थे कि विदाउट अटैक ये विलेज खोल के एक बार देख लेंगे उसके बाद ऑफ कर देंगे, तो क्लैश ऑफ क्लैन को क्या पता चलेगा कि हम लोग ने एक्टिव थे कि नहीं थे। तो गाइस उनको पता चल जाता है, वो आपका विलेज का टाइमिंग रीसेट कर देते हैं 90 डेज के लिए। तो ये ऑटोमेटिक मशीनरी चीज़ है यार, आप लोग इंसान को चूना लगा सकते हो मशीनों को नहीं। तो गाइस आई होप सो आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं 10 ऐसे आप लोगों को सीक्रेट्स, पॉइंट, टिप्स एंड ट्रिक प्रोवाइड किया हूं इस वीडियो में ऑटो अपग्रेड से रिलेटेड, जो कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर चुके होंगे। इवन अगर आपके मन में और भी कोई डाउट्स या कुछ रहता है तो मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ लो गाइस, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन क्लैशोस।